हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई ये पांच दस मिनट इधर उधर हो जाता है उसके लिए तहे दिल से माफी क्योंकि तो इससे पहले भी क्लास चल रही होती है है ना तो वो थोड़ा सा कभी कभी आगे पीछे होती रहती है रश्मि हेलो है ना तो इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें आगे पीछे होती रहती हैं तो उस चीज में पांच दस मिनट लेट हो जाती है क्लास तो उसके लिए सॉरी है ना आज हम लोग जैसा कि कल आपको मैं बताया था कि हमारी जो क्लास है अब तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट होगा और ये तीसरा सब्जेक्ट है हमारा जीवराज गुड इवनिंग मेताली गुड इवनिंग रश्मि गुड इवनिंग पुरुषोत्तम गुड इवनिंग तो ये जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो रहेगा आपका पॉलिटी ठीक है पॉलिटी से हमारे जो क्वेश्चन हैं वो हमेशा अप्रोक्सीमेटली 25 फाइव क्वेश्चन रहते ही रहते हैं ठीक है 25 फाइव क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे या तो ये 20 या ये 26 लेकिन इसके अराउंड ये साइकिल घूमती ही रहती है क्लियर है मोनिका गुड इवनिंग ये बात क्लियर है जब आपको इतना पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस उठ रहे हैं तो आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी तक जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं वो रहा है हमारा हिस्ट्री फिर उसके बाद हमने देखा जोग्राफी जिसमें हमने सात क्लास यहां देखी और सात की सात क्लास यहां देखी तो टोटल हमारी अभी तक चौदह क्लासेस हो चुकी हैं अब हमारा सेगमेंट आया पॉलिटी को लेके में हम वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में आती हैं और हमें उस चीज का जैसा कि हम पिछले सब्जेक्ट्स में करते आए हैं हम थोड़ा सा पहले थ्योरी सेशन पढ़ेंगे ठीक है पहला क्या थोड़ा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएंगे ठीक है थ्योरी यहां पर हिंदी में लिखी है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश में आपको समझा दूंगा उसके बारे में आपको चीजें बता दूंगा ठीक है लेकिन आपको चीजें समझ में आ जाएंगी जैसा कल आप पूछ रहे थे कि आपकी इंस्टा आईडी क्या है मैंने आज यहां पे नोटिफाइड करा दी है इट्स कौशिक वैभव और कोचिंग की भी आपकी जो इंस्टा आईडी है वो भी यहां पे है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना बेसिक चीज हमें जो पता होनी चाहिए कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में हमें चीजें पता होनी चाहिए है ना कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान ठीक तो संविधान में एक छोटी सी चीज है जिससे हमारा लाइक और शेयर कर दिया बहुत बढ़िया युवराज मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि हमारा संविधान है क्या पॉलिटी क्या है और संविधान क्या है यह चीजें पता होनी चाहिए ठीक है पॉलिटी का मतलब होता है राजव्यवस्था और संविधान का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है प्रॉपर संविधान ठीक है तो यह चीज हमें जब पता चल जाएगी तो हमें यह इसके बारे में पता होना चाहिए यार कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है होता क्या है उसमें पार्ट्स होते हैं उसमें आपकी शेड्यूल्स होती हैं, जिसको हम पार्ट्स को भाग बोलते हैं शेड्यूल्स को हम अनुसूचियां बोलते हैं फिर उसके बाद आर्टिकल्स होते हैं आर्टिकल्स को अनुच्छेद बोलते हैं ठीक है फिर उसके बाद आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस जहां से उठते हैं वो होते हैं अमेंडमेंट्स जिसको हम संशोधन बोलते हैं फिर इसमें ईयर भी पूछे जाएंगे कि कौन से ईयर में ये संशोधन हुआ ये सारी की सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं ठीक है थिके? ये सारी की सारी चीजें इसमें पूछी जाती हैं मनीष गुड इवनिंग बहुत बढ़िया ठीक है ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी तो अगर मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चीजें स्टार्ट करूं और आपको बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन रहता क्या है बात होती क्या है तो छोटी सी एक चीज है कि जो फीचर्स है वो आपको पता होनी चाहिए फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स मतलब आपकी विशेषताएं विशेषताएं क्या है पहला क्वेश्चन जो कि आपका कहां पूछा जाता है यूपी पीएससी आपके एमपीपीएससी और आपका मेनली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा यूपीएससी ठीक है यूपीएससी की विशेषताएं क्या है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी क्या फीचर्स हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं जिसकी वजह से वो इतना अहम हो जाता है तो सबसे बड़ा पॉइंट है आपका कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है पहला पॉइंट वो हमारा रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब लिखित संविधान है रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसा नहीं है कि बरवली है ऐसा नहीं है कि ओरली बोल दिया गया है कि आपको ये चीजें मिलेंगी नहीं इसमें प्रॉपर लिखा गया है उसमें प्रॉपर आपको चीजें दी गई हैं जैसे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं डीपीएसपी बताया गया है ये सारी की सारी चीजें आपकी इसमें लिखित हैं रिटिन पेपर पर पे लिखा गया है तुषार प्रणाम सर प्रणाम तुषार ये प्रॉपर आपकी चीजें लिखी हुई हैं और आपको ये चीजें पता है कि यार ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये हमें पावर दी है दूसरा पॉइंट क्या है क्वारसी फेडरल, है. है? क्वार्सी फेडरल. क्वार्सी फेडरल, फेडरल मींस होता है अर्ध पर संघीय क्या होता है अर्ध परिसंघीय अब इसका मीनिंग क्या होता है अर्ध परिसंघीय का मतलब होता है कि यहां पर आपका संघीय प्लस एकात्मक जो व्यवस्था है वो दोनों की दोनों इसमें मर्ज कर दी गई है जो आपका फेडरल सिस्टम है और जो आपकी एकात्मक शक्ति है वो इसमें दोनों मर्ज कर दी गई हैं इसीलिए मोनिका एचपीएससी में कैसा होते हैं सर क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन में यहां पर बताऊंगा पुरुषोत्तम कलर चेंज करूं ओके ये दिखाई दे रहा पुरुषोत्तम है ना राम राम सर राम राम भाई है ना तो दूसरा पॉइंट आया कि कॉर्सी फेडरल है पहला रिटेन है दूसरा कॉर्सी फेडरल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इसमें एक पावर दी गई है किसको जो आपके लॉयर्स होते हैं लॉयर्स के लिए एक बात कही गई है कि ये लॉयर्स के लिए एक तरीके का हेवन है हेवन मींस ये स्वर्ग है किसके लिए जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए स्वर्ग है ठीक है क्यों क्योंकि इतना जटिल है है ना इतना जटिल है और इतना हार्ड फॉर्म में है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते कठोर और लचीला इसीलिए इसको बोला गया है है ना कठोर प्लस लचीला अब इसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश में कि इसमें चेंजेस लाना बहुत ज्यादा इजी नहीं है लेकिन कुछ जगह पे आप बहुमत से आप इसमें चेंज ला सकते हैं है ना पहली चीज इसके जो बेस फॉर्म है जो इसका मूल रूप है उसमें आप चेंज नहीं ला सकते बट जो आपके मूल रूप को अगर चेंज नहीं करता है बेसिक स्ट्रक्चर को उसके चेंज नहीं करता है तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम नहीं छेड़ते हैं तो हम बहुमत से चेंज कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर इसमें चेंज नहीं होना चाहिए इसलिए लचीला बोलते हैं ठीक है ठीक है, थीक है? एक पॉइंट यह हुआ फिर आपको इसी में आपके लिए जो पांचवा पॉइंट है कि फंडामेंटल दे रखे हैं फंडामेंटल राइट इतनी पावरफुल चीज है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपके देश ने आपको कितनी बड़ी पावर दी है आप सीधे आर्टिकल 32 के बिहाब पर सीधे कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट अगर आपका कोई भी अधिकार छीनता है कोई भी चीजों को छीनता है तो आप सीधे कहा जा सकते हैं सीधे आर्टिकल 32 के बिहाब पर फंडामेंटल राइट्स को यूज करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पहली चीज फिर आपको डीपीएसपी के तहत आपको यह केंद्र सरकार या आपकी राज्य सरकारें यह वादा करती हैं बहुत बढ़िया 226 सौ छब्बीस हाईकोर्ट ये सरकारें वादा करती हैं कि आप जो आपके देश के भलाई के लिए काम होगा वो हम सब करेंगे ठीक है तो ये डीपीएसपी के तहत हो गया एक बहुत बढ़िया चीज इन्होंने क्या दी है इन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बिहाफ से कि यहां पर व्यस्क मताधिकार है मतलब एडल्ट वोटिंग का अधिकार है वो क्या है कि आप जैसे ही 18 साल के होंगे तो आपको सरकार चुनने का एक अधिकार मिलेगा वोट डालने का एक अधिकार मिलेगा ठीक है विजिट एज वेल फ्लेक्सिबल हाँ ठीक है ठीक है इतना समझ में आया तो आपकी जो ब्लैक पेन कर लू लो भाई ब्लैक पेन कर लिया ठीक तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पे आपको किस तरीके के अधिकार मिले हैं फंडामेंटल राइट्स मिला है डीपीएसपी के तहत आपका केंद्र सरकार उस चीजों के लिए काम करेगी फिर एडल्ट वोटिंग मिली है जिसमें व्यस्क मताधिकार बोलते हैं जिसे हम अगर मैं बात करूं व्यस्क मताधिकार पे तो ये हमें मिला है कौन से अमेंडमेंट के तहत इकसठवे अमेंडमेंट के तहत और ये कब हुआ है ये हुआ है आपका 1989 में ठीक है कब हुआ है 1989 ठीक है 1989 चलो इतनी चीज समझ में आई तो हमने क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि सर हमें यहां पे जो चीजें मिली हैं जो पावर्स मिली हैं एक तो यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन है दूसरा ये कि कॉर्सी फेडरल है तीसरा ये कि यहां पे लॉयर्स को जो आपके वकील हैं उनको बहुत सारी चीजें यहां पे मिल जाती हैं इसलिए उनको स्वर्ग कहा गया है इस चीज को उसका फिर तीसरा चौथा पॉइंट है कि यह कठोर और लचीला है मतलब ये थोड़ा रिजिड भी है और उसके साथ साथ ये फ्लेक्सिबल भी है फिर पांचवा पॉइंट है कि फंडामेंटल राइट दिए गए हैं यहाँ पे जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है तुषार थैंक यू फिर छठा पॉइंट क्या है कि डी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो कि ये बात सुनिश्चित करते हैं कि हमारे देश की भलाई के लिए क्या क्या काम करने होंगे फिर एक पॉइंट और आया कि जो कि हम सब यूज करते हैं किसी भी सरकार को चुनने के लिए वो है आपका वोट का अधिकार जो कि इकसठवे सिक्सटी वन अमेंडमेंट के तहत 1989 उसका 88 नहीं है रश्मि 89 ही है उसका ठीक है 1989 उसका सही है और ये एज कर दी गई कितनी 21 से 18 ठीक है ये एज चेंज कर दी गई ठीक है तो यहां पर ऋतु ठीक हाँ, है एकदम सही है डीपीएसपी को डायरेक्ट हम कोर्ट में ले जा सकते हैं क्या सर नहीं डीपीएसपी को आप कोर्ट में डायरेक्ट नहीं ले जा सकते हैं वो सिंपल सी चीज है अगर जैसे मैं हूं है ना आपको मैं ये कहूं कि मैं आपको पढ़ाऊंगा पहली चीज आप समझिएगा अगर मैं यहां पर देखो डीपीएसपी होता क्या है अब डीपीएसपी के तहत जैसे मुझे मान लो ये मैं हूं ठीक है ये हुआ वैभव और इसी के तहत आप लोग भी आते हैं है ना आप लोग भी आते हैं यहां पे मान लीजिए तुषार हो गए यहां पे रश्मि हो गई यहां पे गौरांश गौरांशी हो गए यहां पे दुष्यंत हो गए ठीक है ये लोगों का समूह है अब डीपीएसपी के तहत क्या है कि मैंने वादा किया मैं यहां पे अब गवर्नमेंट का रोल निभा रहा हूं है ना मैंने आपसे वादा किया कि चलो मैं आपको चीजें ग्यारह डी पी है अभी उस चीज को हम चल बेटा पढ़ाई कर इस जो ये है इसको हम अभी बताएंगे कि कितने हैं वो सारे टॉपिक हम करेंगे ठीक है सॉरी आई एम लेट कोई बात नहीं गौरशी गौराँज, है ना देखो अब मैंने गवर्नमेंट के बिहाफ पर मैं अगर गवर्नमेंट हूं तो मैंने क्या कहा कि मैं ये ये काम करूंगा मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा मैं आपको जोग्राफी पढ़ाऊंगा करंट पढ़ाऊंगा ये पढ़ाऊंगा लेकिन मैं हो सकता है कि करंट अफेयर्स पढ़ाने में थोड़ा लेट हो गया क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया उसको इंप्लीमेंट करने में अपना वादा इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा लेट हो गया तो क्या आप उसके लिए सीधे कोर्ट चले जाएंगे नहीं ये मैंने वादा किया था कि मेरी जब मेरे पे पेटी सही होगी मेरे हिसाब से चीजें हो पाएंगी तो मैं आपको ये करा दूंगा है ना? तो लेकिन मैं नहीं करा पाया तो इस वजह से आप सीधे इसमें कोर्ट नहीं जा सकते आप इसमें सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट नहीं जा सकते बट फंडामेंटल राइट्स के तहत आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं ठीक है यह वाद योग्य होता है और यह अवाद होता है मतलब इसमें आप कोई भी केस नहीं फाइल कर सकते ठीक है क्लियर है इतना चलो अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि जो हमारा क्या है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिस बिहाब पे बना है वो हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना है ये चीजें हमें पता होनी चाहिए तो जब यही चीज हमको नहीं पता होगी तो हम कैसे करेंगे है ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक छोटी सी क्वेश्चन है पहला ही क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितने दिनों में तैयार हुआ है ना ये कई क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है तो लिख लीजिए दो साल ग्यारह महीने दो साल ग्यारह महीने अठारह दिन ठीक है इयर्स इलेवन मंथ्स एटीन डेज क्लियर है तो यहां पे यह बात आपको पता चल गई कि इतने दिनों में यह हुआ था फिर दूसरा एक क्वेश्चन बैठेगा कि सर एक सेकंड क्वेश्चन है क्या इसकी मीटिंग्स एक साथ स्टार्ट हो गई थी नहीं इसकी मीटिंग एक साथ नहीं स्टार्ट हुई थी इसकी बैठक पहले अस्थायी रूप से हुई थी पहले अस्थायी रूप से हुई फिर उसके बाद स्थायी रूप से हुई परमानेंटली हुई ठीक है ये परमानेंट नहीं थी बट ये परमानेंट थी ये परमानेंट थी ये परमानेंट नहीं थी ठीक है अब इसके जो चेयर पर्सन है वो कौन है और इसके चेयर पर्सन कौन है क्वेश्चन बनता है ना क्वेश्चन बनता है कि इसके चेयर पर्सन कौन थे अस्थाई बैठक के और जो स्थाई बैठक हुई इसके पर्सन कौन थे तो जो अस्थाई बैठक हुई उसके पर्सन थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा जी ठीक है कौन से थे सच्चिदानंद सिन्हा जी ठीक और जो आपकी स्थायी बैठक हुई थी उसके कौन थे उसके थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ठीक है क्लियर है अब यहां से एक और क्वेश्चन उठा कि सर जब इसका हमें आपने यह बता दिया कि परमानेंट जो मीटिंग हुई थी उसके डॉक्टर राजेंद्र थे और जो इनपरमानेंट हुई थी उसके आपके आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे लेकिन आप इसकी डेट तो बताइए सर तो डेट जो है जो पहली मीटिंग हुई है जो अस्थाई मीटिंग हुई है वो कब हुई है वो वो हुई है आपकी 19 9 दिसंबर 1946 कब हुई है? 9 दिसंबर 1946, ठीक है फिर इसकी मीटिंग कब हुई सर ये भी बता दीजिए तो जस्ट दो दिन बाद 11 11 दिसंबर क्लियर है क्लियर है अपर बता दिए ऊपर बता दें सर अच्छा ऊपर ऊपर बत... लिखू क्या 11 बारह उन्नीस सौ छियालीस नौ दिसंबर उन्नीस एकदम सही ठीक है इतना क्लियर है दो क्वेश्चन यहां से आपके बन गए पहला कितने दिन में हुआ दूसरा अस्थाई और अस्थाई तीसरा कौन चेयरपर्सन था चौथा किस डेट को हुआ था ठीक अब एक क्वेश्चन और है कि जो स्थाई मीटिंग हुई है परमानेंट मीटिंग हुई है उसके उपाध्यक्ष भी हैं और जो ये बच्चे कई बार छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को तो जो उपाध्यक्ष हैं यहां पर वो कौन है आपके वो है आपके एच सी मुखर्जी है ना एच सी मुखर्जी ठीक एच सी मुखर्जी ठीक है इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही नाम बराबर क्लियर चलो दूसरे पॉइंट पे चलते हैं अब पॉइंट आते हैं कि सर हम कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अपना हम पढ़ रहे हैं तो क्या यह हमारे ही देश के लोगों ने बनाया है पूरा का पूरा नहीं ऐसा नहीं है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्यों क्योंकि जो हमारा संविधान है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे देश के अकेले लोगों ने नहीं बनाया वो कुल मिला के सिक्सटी के अप्रोक्स देश हैं जहां से हमने कुछ ना कुछ चीज ली है ए बी सी डी ये सब कुछ कहीं ना कहीं से हमने लिया है मतलब जैसे अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि कोई अगर हम घर बना रहे हैं ठीक है कोई हम अपना घर बना रहे हैं हमने देखा कि यार ये जो खिड़की है वो शर्मा जी के घर की बहुत अच्छी है ये जो टाइल्स लगी हुई हैं वो बर्मा जी के घर की बहुत बढ़िया है ये जो रैम पड़ी हुई है वो आपके तिवारी जी के यहां बहुत बढ़िया पड़ी हुई है जो ये विंडो लगी है वो गोयल साहब के घर बहुत बेहतरीन लगी हुई है ठीक है जो ये फर्श पड़ा हुआ है वो सिंह सर के यहां बहुत बढ़िया लगा हुआ है अब कितने लोग हो गए पांच लोग हो गए अब पांच लोगों के घर को देख के मैंने क्या किया मैंने यही सारी चीजें अपने घर में भी लगाई ये मैंने अपना घर बनवाया ये वाली चीजें सेम टू सेम मैंने अपने घर में भी लगवा ली अब ये लेकिन घर किसका है यह घर है मेरा ठीक और इनके घर में क्या क्या बढ़िया था बदमा जी के यहां ये रैम बढ़िया थी तिवारी जी के यहां यह बढ़िया था शर्मा जी के यहां गेट बढ़िया था खिड़की आपके गोयल साहब के यहां बढ़िया थी सिंह साहब के यहां आपका फ्लोर बढ़िया था वही चीज हमने क्या की कि वही चीज हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली ठीक है वही चल बेटा पढ़ाई कर भाई साहब देखो थोड़ा रुक जाओ है ना ये सारी चीजें पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे लेकिन जो चीजें टॉपिक चल रहा है उसको पढ़ लेते हैं है ना अभी उसको पढ़ लेते हैं ये सारे क्वेश्चन में पूछूंगा तब बताना ये सारे एकदम ठीक है तो यहां पे ये चीज पता चली कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो साठ देशों के बढ़िया बढ़िया चीजों को लिया गया है है ना वो सारी की सारी चीजें ली गई हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें कि हमें लगा कि यार राष्ट्रपति यहां से बढ़िया है तो वहां से ले लिया हमें लगा कि फंडामेंटल राइट्स यहां से बढ़िया है तो यहां से ले लिया जो भी चीज बढ़िया लगी वो हमने कहां ले ली अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ले ली ठीक है तो साठ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर क्या बना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना ठीक है क्लियर है चल बेटा पढ़ाई कर बहुत बढ़िया आप सारे क्वेश्चन आपको पता है अभी जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो सबसे पहले आपके आंसर आने चाहिए ठीक है वादा है सबसे पहले आपके आंसर आने चाहिए ठीक है आपका नाम क्या है मुझे नाम इसमें क्लियर नहीं है आप नाम भी लिख के टाइप करें अपना चलो तुषार क्लियर है तुषार इतना क्लियर है कि साठ देशों से हमने ये की चीजें ली हैं अब जो आज का हमारा पहला टॉपिक है यहां तक की सारी की सारी बात अब आप एकदम भूल जाओ और अपना टॉपिक नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है आपका क्या जो कि है आपका सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब स्रोत आपके संविधान के संविधान के स्रोत ठीक है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर है अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो क्लियर है अच्छा अब क्लियर है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और आपका कलर चेंज कर लो पीला कलर दिखाई दे रहा है पीला कलर दिखाई दे रहा है ठीक है चलो संविधान के सोर्स आपका पहला टॉपिक हो गया अब यहां पे हम क्या पढ़ेंगे कि जो भी हमारे देश हैं, जहां जहां से हमने अच्छी चीजें ली हैं वो हम यहां पे पढ़ेंगे तो उसकी कुछ स्लाइड्स हैं, ठीक है चलो तो ये स्लाइड है यहां पे जिस जिस देश से हमने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें ली हैं वो आपका यहां पर लिखा हुआ है तो शाह नोट करने में दिक्कत होता है पूरा लिखो ना प्लीज ठीक है आप देखो ये जैसे है लिखा हुआ है प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो इसका फिर इसको एक कॉपी में लिख लेना ठीक चल बेटा पढ़ाई कर आपातकाल जर्मनी से लिया गया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलो बहुत बढ़िया ये आपका जो टॉपिक है उसका नाम है भारतीय संविधान में प्रमुख विदेशी स्रोत संबंधित देश जहां से क्या क्या चीजें ली गई हैं ठीक है क्या क्या चीजें ली गई हैं सर नाम बता दिए आप पढ़ेंगे नहीं नाम ठीक है पढ़े नहीं नाम कहां बताए हैं आप नाम आ, नाम कहां बताए हो यार अभी चलो फिर से बता दो इस बार पढ़ दूंगा पक्का ठीक है चलो पहला पहला है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 किसके द्वारा लाया गया था यह लाया गया था आपके ब्रिटिश लोगों के द्वारा ठीक है ब्रिटिश लोगों के द्वारा ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ये लाया गया था और इसमें कई सारी चीजें इंप्लीमेंट कराई गई थी हमारे देश के ऊपर लेकिन तब किसका राज था हमारे देश के ऊपर ब्रिटेन के लोगों का राज था ठीक है विवेकानंद ओके विवेक अरे आपका तो नाम ही इतना पूजनीय है सर प्रभु है ना चलो स्टार्ट करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो कि ब्रिटेन के लोगों के द्वारा ही ब्रिटिश लोगों के द्वारा ही इंप्लीमेंट कराया गया था ठीक तो पहली चीज वहां से ली गई है कुछ चीजें उसको अभी हम क्लियर करेंगे फिर दूसरा ब्रिटेन के खुद के कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है फिर तीसरा आपके अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है फिर आपके आयरिस आयरलैंड मीन आयरिस बोलते हैं उसको फिर आपका कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, गया है जर्मनी के से लिया गया है सोवियत संघ रूस अब ये सोवियत संघ नहीं रहा है।, अब ये हो गया है, रूस हो गया है तो यहां से हमने क्या क्या लिया गया है वो सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे आज टॉपिक एकदम पढ़ के बैठे हो चल बेटा पढ़ाई विवेकानंद है ना बहुत बढ़िया चलो जापान से क्या क्या लिया है हम वो पढ़ेंगे फिर फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है वो पढ़ेंगे और दक्षिणी अफ्रीका साउथ अफ्रीका से हमने क्या क्या चीजें ली हैं वो भी हम इसमें क्लियर करेंगे क्लियर है ये सारे के सारे वो देश हैं ग्यारह जहां से हमने बहुत कुछ मेन पॉइंट्स उठाए हैं क्या किया है मेन पॉइंट्स को क्लियर किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एडॉप्ट किया है उसको लिया है ठीक है चलो पहला भारत सरकार अधिनियम 1935. ठीक है इंडियन एक्ट आपका जो था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट उसमें देखना है कि जो 1935 का था उसके तहत हमने क्या क्या चीजें ली हैं ठीक तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो क्या है जो वहां से लिया गया है वो है आपका संघीय तंत्र है ना संघीय तंत्र हमने वहां से लिया है फिर दूसरा क्या है दूसरा है राज्यपाल का कार्यकाल जो टेन्योर ऑफ आपका गवर्नर है वो लिया गया है टेन्योर ऑफ गवर्नर ठीक गवर्नर ये लिया गया है फिर आपकी न्यायपालिका जो है वो ली गई है जुडिशरी ली गई है ठीक है जुडिशरी ली गई है फिर उसके बाद लोक सेवा आयोग लिया गया है जो कि क्या है पीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन वो लिया गया है फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का सेवेंटी परसेंट समझ रहे हैं आप सेवेंटी परसेंट याद है लेकिन टाइप दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीं मतलब मैं समझ गया हूं कि हमारी क्लास में प्रॉपर विवेकानंद जी बैठे हुए हैं तो सभी इसको मतलब इनको नमन करें ठीक है सशत नमन आपको जीवराज सत्तर बहुत बढ़िया देखो सेवेंटी परसेंट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो एरिया है वो कहां से लिया गया है वो लिया गया है आपके 1935 के भारत सरकार का जो अधिनियम आया था उसके तहत क्लियर है चलो सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं सेकेंड है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में से जो ली गई है चीजें अगर मैं आपको बेसिक फॉर्म में बताऊं इसको अभी देखेंगे हम लेकिन अगर बेसिकली बताऊं कि आपको याद ना रहे और आपको तब मानने पड़े तो कैसे मारेंगे आप है ना तो एक चीज बताओ जो पार्लियामेंट है आपकी जो संसद है वो सबसे पहले किसके टाइम में स्टार्ट हुई वो सबसे पहले हुई ब्रिटिश लोगों के टाइम तो याद रखिएगा वो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर संसद के कुछ चीज जुड़ी हुई आ रही है तो हमें सीधे कहां जाना है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन पे जाना है ठीक है याद हो गई अब दूसरी चीज हमारे देश में एकल नागरिकता है एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप मतलब उसमें हमको याद रखना है कि अगर हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है तो वो भी क्या करता है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन चलो अब देख लेते हैं कुछ संसदीय शासन प्रणाली बता दिया मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम विधि का शासन है ना लॉ लॉफ वो होता है फिर विधि प्रक्रिया विधाई प्रक्रिया आपकी वो रहती है विधाई प्रक्रिया फिर सिंगल सिटीजनशिप रहती है मंत्रिमंडल प्रणाली जो कैबिनेट सिस्टम रहता है वो रहता है ठीक कैबिनेट सिस्टम संसदीय विशेषाधिकार रहता है जो आपके पार्लियामेंट के पावर्स रहती हैं जो उनका विशेषाधिकार रहता है वो इसमें रहेगा ठीक है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका रिट्स वगैरह है वो रहेंगी फिर इसके बाद बहुत जो इंपॉर्टेंट है आपका वो ये है अनुसूचित जनजाति के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है ना जो आपका अनुसूचित जनजाति का न्यायाधीश रहेगा उसको जो हटाने का रिमूवल करने का जो अधिकार है वो भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और आर्टिकल चौदह में जो बात कही गई है विधि के समक्ष समानता ठीक है वो भी हमने कहां से ली है वो भी ली है आपके विस्टिष्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ठीक है विवेक रुक जाओ भैया देखो आप तो कमेंट भी आने लगे आपके नाम के है ना अभी रुक जाओ थोड़ा सा रुक जाओ ठीक रुक जाओ थोड़ा चीजें अभी क्वेश्चन पूछूंगा अभी तत्काल थोड़ी देर बाद क्वेश्चन पूछूंगा फिर उसके बाद जी भर के आंसर देना कहां से क्या है कहां से क्या नहीं है ठीक है, विधाई प्रक्रिया चलो मैं बता देता हूं फिर से संसद समझ में आ रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम तो जो आप एक चीज याद रखना कि उसमें जितने भी लेजिस्लेटिव हुआ आपका एग्जीक्यूटिव हुआ ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो सारी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हैं। ठीक क्लियर है क्लियर है आप सभी को चलो तो विवेक भाई ने सारा सब कुछ बता ही दिया है वैसे तो ठीक है चलो फिर हम कहां पे थे दूसरे पॉइंट पे चले स्क्रीन शॉट ले लिया करो ठीक है स्क्रीन शॉट ले लो और थोड़ा सा इंग्लिश में अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो किसी को जैसे बहुत सारे लोग इंग्लिश वाले भी होंगे यहां पर तो उसके लिए मैं कल से थोड़ा सा ट्राई करूंगा कि इंग्लिश की टर्मोलॉजी में भी चीजें हों तो ज्यादा बढ़िया रहेगा जिससे मैं हिंदी में बता दिया करूंगा इंग्लिश में आप देख लिया करिएगा ठीक है चलो हो गया नेक्स्ट पे चलते हैं अब है आपका आयरलैंड ठीक है आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है आयरलैंड से लिया गया है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका डीपीएसपी ठीक है डीपीएसपी कई बार कई क्वेश्चन में पूछा जाएगा ही जाएगा वो थर्ड पेंट आएगा सर थर्ड छूट गया क्या ओहो चलो मैं बता दूंगा कौन सा है मैं सारे बता दूंगा अभी जो अभी स्लाइड्स में है उसको एक बार देख लेते हैं फिर मैं बता दूंगा कौन सा क्या क्या है चलो आयरलैंड का देख लेते हैं डीपीएसपी मोस्ट सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है तो आयरलैंड हो जाएगा दूसरा राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके प्रेसिडेंट को चुनने वाले लोगों का इलेक्शन बोर्ड रहता है उसकी क्या व्यवस्था है उसका क्या सिस्टम है वो इलेक्ट्रोर बोर्ड ठीक है वो है यह तीसरा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में जो राष्ट्रपति किसके प्रेसिडेंट राज्यसभा में क्या करता है लिटरेचर आर्ट साइंस और जो भी अदर्स चीजें हैं उसमें कुछ लोगों को अपॉइंट करता है वो चीज भी कहां से ली गई है आयरलैंड से तो तीन चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी आयरलैंड से ली गई हैं पहला डीपीएसपी दूसरा निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्ट्रोनिकल बोर्ड तीसरा राज्यसभा में जो सीटें आपकी मनोनयन की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा क्लियर चलिए नेक्स्ट कनाडा है ना कनाडा पंजाब दूसरा पंजाब ठीक है अब यहां से क्या क्या लिया गया है यहां से जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली गई है वो संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम लिया गया है ठीक है देश को एक रखने का पावर कहां से ली गई है कई बार पूछा जाएगा वो ली गई है कनाडा से सशक्त देश मतलब पावरफुल देश बनाने के लिए संघीय व्यवस्था ठीक? संघीय व्यवस्था ली गई है शक्तियां, ये क्या होती है? शक्तियां मतलब होती हैं? हैं मतलब कि आपकी तीन तरीके की पावर देंगे, ठीक है एक होती है संवर्ती सूची एक होती है आपकी केंद्र सूची एक होती है आपकी राज्य सूची इनके अलावा जो टॉपिक आपके रह जाते हैं इन तीनों चीजों के अलावा जो टॉपिक रह जाते हैं वो कहां छोड़ दिए जाते हैं वो कहां डाल दिए जाते हैं वो डाल दिए जाते हैं अवशिष्ट सूचियों में ठीक है तो अवशिष्ट सूचियों कंट्रोल कंट्रोल किसका रहेगा कंट्रोल रहेगा केंद्र केंद्र का क्लियर चलो केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति मतलब समझ में आ गया होगा सीधे सीधे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय केंद्र सरकार मतलब जो आपकी केंद्र सरकार है उसके जो उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किए जाते हैं गवर्नर्स के इन स्टेट्स क्लियर चलो फिर उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्श जो है परामर्शीय न्याय निर्णय मतलब परामर्शी मीन्स होता है परामर्श देना एडवाइजरी जो सिस्टम रहता है वो ठीक है सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइजरी तरीके से रहना वो रहेगा आपका किसमें कनाडा में देश का एक साथ एकजुट बनाए रखने में कनाडा के संविधान से लिया गया है तथा राज्यपाल की नियुक्ति बहुत बढ़िया क्लियर चलिए उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया से हमने सूची ली गई है समवर्ती सूची क्लियर है क्वेश्चन आएगा कि समवर्ती सूची हमने कहां से ली है तो वो रहेगा आपका ऑस्ट्रेलिया और समवर्ती सूची को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट ठीक व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता प्रस्तावना में जो भाषा है है ना प्रियंबल में जो भाषा है वो भी आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है क्लियर केंद्र व राज्य संबंध की शक्तियों का विभाजन मतलब जो केंद्र है आपका है ना जो आपके देश की सरकार है जो कि बीजेपी है है ना और उसके अलावा जो जितने भी आपके राज्य हैं उनके जो संबंध हैं, वो किस तरीके से किए जाएंगे वो सारे का सारा इसमें ही दिया गया है व्यापार वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता ये फिर से आ गया रिपीट हो गया संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठी होती है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइंट मीटिंग संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट मीटिंग ये भी किसमें है ये भी आपकी ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमने वहां से ली है क्लियर चलो स्क्रीनशॉट ले लिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है जापान से हमने एक ही चीज ली है बहुत इंपॉर्टेंट विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया लॉ के द्वारा जो प्रोसेस इन्होंने स्टेबलाइज किया है वो ठीक है क्लियर फ्रांस से हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ली है रिपब्लिक जिसको हमने बोला है गणतंत्र रिपब्लिक सिस्टम ठीक है फ्रांस से और हमने प्रस्तावना की जो स्वतंत्रता है समानता है और बंधुत्व है उसके आदर्श वहां से लिए गए हैं ये तीनों शब्द स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता ठीक है ये तीनों शब्द फ्रांस से लिए गए हैं ये दोनों चीजें फिर उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां से ली गई है इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे पूछा ही जाएगा कि संविधान में जो संशोधन करने का प्रोसेस है अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है इन कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है और उसके साथ साथ निर्वाचन जो आपके राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो आपका किससे है इलेक्शन ऑफ राज्य राज्यसभा मेंबर्स वो भी है आपका साउथ अफ्रीका क्लियर क्लियर है क्लियर है अब मैं छोटी सी एक चीज बता देता हूं आपको जो आपका मिस हो गया है थर्ड नंबर वाला वो है आपका अमेरिका ठीक है अमेरिका का एक स्लाइड मिस हो गया है तीसरा लिख लो अमेरिका जिसको हम यूएसए बोलेंगे है ना कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्म में यूएसए तो वहां से चीजें अगर मैं आपको बताऊं कि अगर याद करने वाली फॉर्म में याद रखे कि यूएसए को हम किस तरीके से मानते हैं जजमेंट देने वाली संस्था के रूप में मानते हैं कि याद कोई भी बात हो जाए पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हो जाए तो सीधे पटना से ले रहे हैं सर आप क्लास पटना से ले रहे हैं नहीं मुखर्जी नगर दिल्ली है ना मुखर्जी नगर दिल्ली प्रॉपर ठीक चलो तो हम किसको रखते हैं अमेरिका को एज ए जुडिशरी मानते हैं यार कि यार जो भी कोई बात फंसती है तो सीधे अमेरिका से सॉल्व आउट करवाते हैं तो पहला पॉइंट कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन और उसकी पावर ठीक है सुप्रीम कोर्ट का गठन मतलब उसका स्टेबलाइजेशन किस तरीके से होगा वो आपका अमेरिका और उसकी पावर प्लस पावर उसकी क्या क्या शक्तियां होंगी वो आपकी अमेरिका से ली गई है दूसरी कि जो वहां के जज होंगे जो यहां के और हाईकोर्ट के जज होंगे वो भी किस तरीके से चुने जाएंगे वो भी आपके अमेरिका से लिया गया है दूसरा पॉइंट तीसरा एक शब्द आता है जिसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक पुनरावलोकन ठीक है उसको इंग्लिश में बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू कि कोई अगर मैंने जजमेंट दे दिया और मुझे लग रहा है कि यार ये गलत हो गया मुझसे तो उसका रिव्यू करना या मुझसे छोटी अथॉरिटी ने कोई बात कही उसका रिव्यू करना ये कहलाता है जुडिशियल रिव्यू तो ये चीज भी अमेरिका से रहेगी फिर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है आपकी वाइस प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति ये सारी की सारी चीजें कहां से ली गई हैं ये ली गई हैं आपके अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्लियर है क्लियर है 1935 सरकार दूसरा ब्रिटेन तीसरा अमेरिका चौथा आपका आयरलैंड पांचवा कनाडा छठा आपका ऑस्ट्रेलिया सातवा सातवा कौन सा था भाई सातवा जर्मनी जर्मनी नहीं बताया ना मैंने जर्मनी भी लिख लो आपका दसवां डालो जर्मनी जर्मनी से विवेक भाई बता रहे थे विवेकानंद जी कि यहां से इमरजेंसी ली गई है ठीक है इमरजेंसी मतलब आपातकाल जर्मनी हिटलर वाला इतना धासु आदमी है ना इमरजेंसी ली गई है क्लियर ठीक है याद रहेगा जर्मनी खतरनाक देश हिटलर का देश तो आपातकाल कहां से जर्मनी से लिया गया है ठीक और कुछ बचा कहीं से दक्षिणी अफ्रीका पढ़ लिया जापान पढ़ लिया ऑस्ट्रेलिया पढ़ लिया फ्रांस पढ़ लिया सारी चीजें क्लियर हो गई अब लगाएंगे क्वेश्चन अब आया विवेक भाई का टाइम जब आंसर देने वाला चलो क्वेश्चन पहला नंबर भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया उद्देशिका का मतलब होता है आपके प्रियम्बल से है ना प्रियम्बल प्रियम्बल कहां से लिया गया है बताएं इटली कनाडा फ्रांस USA. विचार कहां से लिया गया है बहुत बढ़िया श्वेता का डी रश्मि का डी पुरुषोत्तम सी कैसे हो सकता है भाई फ्रांस से क्या क्या चीजें ली थी याद है फ्रांस से हमने रिपब्लिक लिया था और उसके साथ साथ तीन शब्द लिए थे स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता है ना तो सी तो बिल्कुल नहीं होगा दो ही चीजें मैंने बताई हैं आपको इसका एकदम सही आंसर दिया है आपके मिताली डी बहुत बढ़िया तो मिताली श्वेता रश्मि तुषार आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है डी इसका एकदम सही है कि जो प्रियम्बल का विचार है उसकी थॉट है वो कहां से लिए गए हैं वो लिए गए हैं मोनिका बहुत बढ़िया वो लिए गए हैं यूएसए से नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिहा पर यहां की पॉलिटिक्स का जो नेचर है उसमें सबसे ऊंचा कौन किसको माना है सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट को या आपके रिलीजन को बताएं जल्दी रश्मि बी मोनिका ऋतिक बी पुरुषोत्तम बी ग्रेट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो एकदम सही आंसर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम ऊपर माना है मिताली बी रितु बी बहुत बढ़िया बच्चों बहुत बढ़िया क्यों क्योंकि हमें सबको पता है कि हमारे देश में सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ के जुडिशियल रिव्यू से भी ये जो जुडिशियर सिस्टम है उससे भी ज्यादा ऊपर माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू मैंने बताया था जुडिशियल रिव्यू के बारे में कि संकल्पना निम्नलिखित देशों में से कहां से ली गई है मतलब कि जो जुडिशियल रिव्यू की कॉन्सेप्ट है वो किस देश से ली गई है यूके से यूएसए से यूएसएसआर से ऑस्ट्रेलिया से रश्मि सी अरे भाई मोनिका सी रश्मि बी, मिताली बी, मोनिका सी कैसे हो सकता है भाई सी कैसे हो सकता है अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया जब अमेरिका के बारे में बताया कि अमेरिका जुडिशियल रिव्यू मतलब हम कोई डिसीजन दे दिए या मतलब किसी छोटे वाले ने जजमेंट दे दिया तो उसको फिर से सोचना तो ये है अमेरिका से एकदम सही बहुत बढ़िया चलो तो बी इसका एकदम सही होगा यूएसए चलिए सेकंड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन के बाद फोर्थ क्वेश्चन भारत की संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम निम्नलिखित में से किस देश के साथ संबंधित है बताएं कनाडा यूनाइटेड किंगडम संयुक्त राज्य अमेरिका आयरलैंड धन्यवाद कहा दयानंद कहा गया <laughs> कोई बात नहीं कोई विवेकानंद नाम था भाई उनका विवेकानंद उन्होंने सारे आंसर पहले ही दे दिए थे कोई बात नहीं पुरुषोत्तम अपना फोकस करो ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया कोई बात नहीं रश्मि ऐसे नहीं किसी को ट्रोल करना है ठीक है चलो ए आंसर एकदम सही एकदम सही है आप सभी का कि फेडरल सिस्टम आपका लिया गया है कहां से कनेडा से बहुत बढ़िया मोनिका गौराश गौरान्शी रश्मि मिताली पुरुषोत्तम बहुत बढ़िया श्वेता बहुत बढ़िया चलो ऐसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना भाई चलो उन्होंने सारे आंसर दे दिए तो ए बहुत बढ़िया न्यायिक पुनौलावेखन की व्यवस्था कहा केवल भारत में भारत यूएसए में केवल यूएसए में या यूके में बताएं जल्दी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है श्वेता बी पांचवा क्वेश्चन कौन सा था पांचवा मिस हो गया है है ना चलो बताओ बी 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 पुरुषोत्तम ए कैसे आ गया भाई केवल भारत नहीं होगा रश्मि बी बी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया कि भारत और यूएसए से। यूएसए से लिया है इसलिए यूएसए होगा भारत में लिया गया है इसलिए भारत होगा तो भारत और यूएसए हो गया क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उसका क्या भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ परिसंघ का मतलब समझ रहे हैं फेडरल फेडरल या फेडरेशन ठीक है प्रिया भी, फेडरल परिसंघ का मतलब होता है फेडरल सिस्टम तो इंडियन फेडरल सिस्टम और अमेरिकन फेडरल सिस्टम में क्या समान रूप से पाया जाता है पहला एक ही नागरिकता संविधान की तीन सूचियां मतलब तीन शेड्यूल्स सिंगल सिटीजनशिप या तीन शेड्यूल्स या न्यायपालिका की वैधता या चौथा संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय सात का सी सी मिताली बी श्वेता डी पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसपे बच्चों के आंसर अलग अलग हैं तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा बताएं न्यायपालिका वैधता है सर है ना रेतु डी सी हाँ, ऑप्शन इसका एकदम सही होगा ठीक है सी चलो <coughs> ए इंग्लिश कल से ये इंग्लिश में रहेगा पक्का ये पक्का इंग्लिश में रखूंगा मैं इसे कल से एक सेकंड हाँ, ठीक है ये कल से इंग्लिश में रहेगा चीजें उसकी कोई टेंशन नहीं है इंग्लिश में थोड़ी सी चीजें इजी हो जाती हैं समझने के लिए उसके बाद चीजों को अच्छे से कर पाएंगे हम लोग क्वेश्चन है ना तो मैं एक चीज बताऊं अगर इस वाले क्वेश्चन में आप लोग सी बोल रहे थे ना तो इस सी सातवें में है ना सी नहीं होगा इसका आंसर वही मैं सोचूं कि सी नहीं होगा वैधता नहीं है वैधता नहीं, नहीं है हिंदी में ही सही है ओके अच्छा एक चीज बताओ इंग्लिश में क्वेश्चन रखे जाए या हिंदी में रखे जाए पहले ये बताओ जल्दी बताओ हिंदी मीडियम वालों के लिए सर ठीक है मतलब हिंदी में क्वेश्चन रखे जाए इंग्लिश में उसको थोड़ा बहुत समझा दिया जाए है ना ऐसा ही है ना ठीक है चलो चलो हिंदी में क्वेश्चन रख लेंगे इंग्लिश में उसको समझा देंगे या इंग्लिश में ऐसा करेंगे कि कुछ टर्मोलॉजी उसके जो क्वेश्चन रहेगा उसको इंग्लिश में भी डाल देंगे ऐसा कर सकते हैं ठीक है चलो इस पर हम कल बात करेंगे अभी क्वेश्चन लगा लेते हैं थोड़ा लेट हो जाएगा बंदा ठीक है इस पर मैं पक्का इस पर हम बात करेंगे कि क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में हो जाए उसके बाद या ऐसा देख सकते हैं कि इंग्लिश में रखे जाए और हिंदी में समझा दिया जाए ऐसा कर सकते हैं ठीक है चलो ये तो हो गया ये और क्वेश्चन क्या था कि कौन सा समान रूप से पाया जाता है तो जो वैधता है वो समान नहीं है, है ना ये वैधता समान नहीं है हमारे इस पे वैधता समान नहीं है हमारे में समान क्या है कि संविधान के जो निर्वचन होता है उसके लिए फेडरल फेडरल सुप्रीम कोर्ट ठीक है फेडरल सुप्रीम कोर्ट ये हमारा एकदम सही आंसर होगा ठीक है तो डी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपको सही कथन बताना है नाइस सेशन गुरुदेव थैंक यू सो मच चलो बताओ सुरेंद्र डी बहुत बढ़िया आंसर भी आने लगे आठ का बी श्वेता बी बहुत बढ़िया सूट से ज्यादा उसके माथे पे बिंदी पसंद है अंग्रेजी से ज्यादा हिंदी पसंद है आर्टिकल थ्री फोर्टी थ्री राजभाषा ओफ विवेकानंद जी लौट आए हैं ठीक है और शायरी के साथ बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया विवेकानंद ये बहुत बढ़िया थी शायरी तो बी ऑप्शन आप लोगों ने दिया और इसका आंसर आपने एकदम गलत दिया क्यों क्योंकि इसका आंसर जो होगा वो होगा ए ठीक कि कौन सा कथन सत्य है आपको मैंने अभी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि यूएसए है उसमें सरकार की संघीय प्रणाली होती है ठीक है सरकार की संघीय प्रणाली होती है क्लियर संघीय प्रणाली ये ये ऑप्शन क्लियर है भाई ये ऑप्शन कैसे हो सकता है भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली संघीय तो है ही नहीं इंडिया में परिसंघीय स्टार्टिंग में ही बताया था परिसंघीय याद है स्टार्टिंग के पहली लाइन में बोला था परिसंघीय याद आया कुछ जो मैंने बोला था क्वारसी फेडरल परिसंघीय है ना कि फेडरल क्वारसी फेडरल बोला था तो बी तो अपने आप ही हट गया भाई ए ठीक है ए सिर्फ ए चलो शक नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में संविधान में सम्मिलित संवर्ती सूची कौन लिस्ट किस देश की देन है बताएं। भारत में जो कौन लिस्ट है वो किस देश की देन है बहुत ही इजी है नौका सी ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया श्वेता सी गौरानी सी मोनिका सी रितु सी डी डी कैसे भाई सी कनाडा, सी दुष्यंत सी बहुत बढ़िया एकदम सही जो आपका सी है ऑस्ट्रेलिया वो एकदम सही है है ना ऑस्ट्रेलिया एकदम सही है बताओ एकदम सही है ठीक है तो जिस जिस बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है एकदम सही है क्लियर डी तो हो ही नहीं सकता रितु डी नहीं हो सकता कैसे जब हमने ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे तो ऑस्ट्रेलिया से बताया था कि कौन लिस्ट हमने ली है वहां से क्लियर है है ना तो एक बार वहां फिर से देखना चलो आपको एक दो क्वेश्चन और रह गए होंगे हमारे बताएं भारत में संवर्ती सूची की जो संकल्पना है वो कहां से ली गई है फिर से रिपीट है देखो मैंने बताया था ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आपको अब इजी हो गया होगा दस सी ए कैसे दे सकते हो भाई तुषार अभी भी रश्मि रिपीट हाँ रिपीट है लेकिन देखो लैंग्वेज देखो भारत में संवर्ती सूची की संकल्पना है ना अब यहां पे लैंग्वेज चेंज कर दी वहां पे क्या था क्वेश्चन कि भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है ठीक है तो लैंग्वेज से खेलेगा वो थोड़ी बहुत चीजें यहां पे रिपीट हो जाती हैं तो उसके लिए एकदम तैयार रहना है कि, कि किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ ले हम आंसर देने के लिए एकदम रेडी हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा भारत के संविधान निर्माताओं ने सातवी अनुसूची में वर्णित जो सेवेंथ शेड्यूल है उसमें वर्णित समवर्ती कॉन्क्रेंट लिस्ट की अवधारणा को ग्रहण किया है देखो फिर से क्वेश्चन की फॉर्म देखो अब क्वेश्चन की फॉर्म देखिए कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज किया अब यहां से एक क्वेश्चन और पता चला कि जो कॉन्क्रेंट लिस्ट है वो कहां पे है सेवेंथ शेड्यूल में है ठीक यहां से पता चला कि ये जो सेवेंथ शेड्यूल है वो कहां है समवर्ती सूची के लिए है क्लियर है बहुत बढ़िया प्रिया रितु मोनिका बी एकदम सही आंसर है एकदम क्लियर आंसर बी ठीक है चलो अब लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व तो मतलब डीपीएसपी अगर यह क्वेश्चन गलत दिया तो बहुत डांट खाओगे भाई कि कहां से लिए गए हैं बारे का बी श्वेता बी बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बी बी बहुत बढ़िया एकदम सही जवाब है आयरलैंड ठीक आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए हैं एक और क्वेश्चन है क्या एक और क्वेश्चन है भाई एक और क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ ना कुछ विशेषताएं ली गई हैं किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है फ्रांस आयरलैंड जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका देख रहे हो इस क्वेश्चन की फॉर्म देखो और पिछले क्वेश्चन की फॉर्म देखो एकदम चेंज ठीक एकदम चेंज तो क्लियर आंसर आप लोगों का सबका सही है आयरलैंड एकदम सही आंसर हो जाएगा ठीक है आयरलैंड एकदम सही आंसर हो जाएगा अब मैं अगर थोड़ी सी बात इस टॉपिक के अलावा किसी चीज पे करूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें किस तरीके से पूछी जाती हैं किस तरीके से उसका मतलब एक रूपरेखा है वो देख लिया जाए थोड़ा सा एक दो मिनट तक है ना उसको क्योंकि क्लास अब वैसे प्रॉपर खत्म हो चुकी है लेकिन छोटी सी एक दो चीजें हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक नॉलेज अगर देखी जाए कि होता क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक छोटा सा अगर देखा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है लेकिन बस यहां पे एक ओवरव्यू बता रहा हूं छोटी सी चीजें है ना एक दो मिनट है तो उसे खींच लेते हैं अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमें पढ़ना क्या क्या होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान है ना ऑनलाइन सर ठीक तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक नेचर था एक बेस था मतलब उसकी एक फॉर्म थी जब वो तैयार किया गया था और उसमें जो स्टार्टिंग में है ना स्टार्टिंग में कुछ आर्टिकल्स दे रखे थे कुछ पार्ट्स दे रखे थे कुछ उसके शेड्यूल्स दे रखे थे ठीक ये सारी की सारी चीजें उसमें दे रखी थी तो जो पार्ट्स थे उस टाइम वो टोटल 22 थे ठीक है वो टोटल कितने थे सर रानी मैम क्लास नहीं लेती हैं क्या रानी मैम की क्लास शायद अब 11 तारीख से स्टार्ट हो रही है है ना तो 11 तारीख से उनके बैचेज हैं वो फ्री बैचेज अभी उनके स्टार्ट नहीं है अभी उनके पेड बैचेज हैं तो अभी शायद ग्यारह तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है मैम का तो उसमें देखते हैं ठीक है तो 22 इसके पार्ट थे आर्टिकल कितने थे जो सबसे मूल संरचना थी उसमें आर्टिकल्स थे 395 कितने थे 395 और शेड्यूल्स कितनी थी शेड्यूल्स थी आपकी आठ ठीक है कितनी थी आठ रीना रानी 10 सी 10 का सी ओके अभी आप पीछे आए हैं रीना है ना चलो 195 सर टॉपिक बता दिया करो पहले ठीक है आज आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है सोर्सेस पढ़ लिया है ना सोर्सेस हो गया है हमारा अब कल जो हमारा टॉपिक रहेगा मैं आपको बता देता हूं कल का टॉपिक आप लोगों का रहेगा एक तो पार्ट्स देखेंगे हम क्या क्या होते हैं एक शेड्यूल्स देखेंगे हम फिर और क्या देख सकते हैं प्रियम्बल देखेंगे ठीक है ये तीन चीजें हम कल क्लास में कंप्लीट करेंगे ये तीनों की तीनों चीजें हम क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसको हम निपटाएंगे खत्म करेंगे ठीक है चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल की क्लास में घर पे रहिए सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि पढ़ाई इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में कि आप अगर पढ़ लेंगे तो चीजें हमेशा हमेशा के लिए आपकी बेहतर हो जाएंगी है ना आपको मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं है ना छोटी सी आपको कहानी बताता हूं कि क्योंकि हमारे सूरज भाई अभी आए हैं तो अब कहानी कंप्लीट करके ही जाऊंगा है ना थैंक यू सो मच सर देखो कोई नहीं ये मेरा फर्ज है है ना मैं आपको कुछ चीजें अगर समझा पा रहा हूं तो अच्छी चीज है है ना नहीं समझा पाया होता तो शायद नहीं बता रहा होता तो मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं है ना चाणक्य का नाम सबने सुना होगा सका नाम चाणक्य का है ना चाणक्य उन उनके बराबर एक्स्ट्रीम नॉलेज वाला आदमी आज तक हुआ ही नहीं है ना मैंने देखा नहीं मैंने सुना नहीं तो चाणक्य से एक बच्चे ने पूछा कि सर मुझे ना पैसा कमाना है पैसा कैसे कमाया जाए तो चाणक्य ने कहा अच्छा क्या करते हो तो उन्होंने कहा कि सर ये ये काम करता हूं अभी खेती करता हूं तो उन्होंने कहा तो आप नहीं कमा सकते तो कहता है कि मेरे बेटे को कमा दो तो उन्होंने कहा आपका बेटा क्या करता है तो उसने कहा कि अभी तो कुछ नहीं करता लेकिन उसके बाद वो खेती ही करेगा है ना तो चाणक्य ने कहा कि अगर पैसा कमाना है आपको तो आप अपने बेटे को पढ़ाइए तो उसने पूछा क्यों तो उन्होंने कहा कि अगर आपको छोटे समय के लिए एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए पैसा चाहिए तो आप फूलों की खेती कर लो फूलों की खेती करने से क्या होगा कि आपको पैसा जल्दी मिल जाएगा लेकिन उसकी अमाउंट कम रहेगी उन्होंने कहा अच्छा और ज्यादा पैसा कमाना हो तो उन्होंने कहा अगर उससे ज्यादा पैसा कमाना है तो आप फलों के पेड़ लगा लो फलों के पेड़ लगाओगे तो लंबे समय तक फल देंगे आप पैसा ज्यादा कमा लोगे तो उसने कहा कि और ज्यादा पैसा कमाना हो तो उन्होंने कहा चाणक्य ने कि सर अगर आपको पैसा बहुत ज्यादा कमाना है अपने बेटे से तो उसको पढ़ाओ एक बार वो अच्छे से पढ़ गया तो वो इतना पैसा कमाएगा इतना पैसा कमाएगा कि लास्ट जब ब्रेथ लेगा सांस लेगा उस टाइम तक वो पैसा कमाएगा और उसके जाने के बाद भी उसके घर वाले पैसा अर्न करेंगे उसकी नॉलेज से तो समझ में आ गया तो जितना हो सकता है उतना पढ़ो जितना हो सकता है उतनी चीजें सीखो क्योंकि आपके पौधे खत्म हो सकते हैं पेड़ खत्म हो सकती है लेकिन आपकी बुद्धि आपकी नॉलेज कभी खत्म नहीं हो सकती वो जितना स्प्रेड करोगे उतनी बढ़ेगी अगर मैंने पढ़ा है तभी मैं आपको बता पा रहा हूं और इससे चीजें मैं भी गेन कर रहा हूं आप भी गेन कर रहे हैं ठीक है तो घर पे रहिए सुरक्षित रहिए पढ़ते रहिए साढ़े सात बजे टाइम पे आ जाइए क्लास स्टार्ट हो उससे पहले चीजें बढ़िया से सीख लीजिए हमने टॉपिक बता दिया है ठीक है चलो कल मिलते हैं जय हिंद